हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज के वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज के एग्जांपल देखते हैं. वो है एक्सरसाइज 9.1, 2 मार्क्स में आईएमपी है. ओके, तो ये जो एग्जांपल है पहले हम समझने की यहाँ पे ट्राई करेंगे. तो पहले देखो, यहाँ पे अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3.0 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर stretched by the same amount as a copper wire of length 3.5 meter and cross sectional area of 4.0 × 10⁻⁵ meter square. Okay, under the given load, what is the ratio of the Young's modulus of steel to that of copper? Okay, तो यहाँ पे देखते हैं, हम काउंट करने की ट्राई करते हैं. अ स्टील वायर ऑफ लेंथ, तो लेंथ जो है उसकी वो हम लिखते हैं यहाँ पे, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ, तो एल एस इज इक्वल हाउ मच, 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टील वायर विच इज ए एस, ओके, विच इज ए एस, विच इज 3.0 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर. क्लियर? नाउ stretches by the same amount as a copper wire, same amount as the copper wire, तो of length, copper wire's length is LC is equal 3.5 meter and cross sectional area is AC is equal how much, 4.0 × 10⁻⁵ meter square. ओके, यहाँ तक. Under the given load, यानी कि जो भी लोड दिया गया है उसके हिसाब से यहाँ पे है, वॉट इज द रेशियो ऑफ यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील ऑफ दैट ऑफ कॉपर. यहाँ पे हमें फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यंग मॉड्यूलस का रेशियो ही फाइंड करना है. ओके, तो उसके लिए आपके पास ये चार वैल्यू यहाँ पे दी गई है, राइट? तो यहाँ पे देखो, तो यंग्स मॉड्यूलस फोर, पहले हम स्टील का ले लेते हैं, फॉर स्टील यंग मॉड्यूलस फॉर स्टील, तो वाई एस इज इक्वल, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी एग्जांपल है. वाई एस इज इक्वल, तो सिग्मा डिवाइड बाई ई है, तो इसका हम इक्वेशन लिख लेते हैं, एफ एस बाई ए एस मल्टीप्लाई एल एस बाई डेल्टा एल एस, इक्वेशन वही रहेगा, राइट? दूसरा, यंग्स मॉड्यूलस फॉर कॉपर, यंग मॉड्यूलस फॉर कॉपर वायर, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, यंग मॉड्यूलस कॉपर का, तो वाई सी इज इक्वल सिग्मा बाई ई इज इक्वल एफ सी बाई ए एस ए सी मल्टीप्लाई एल सी बाई डेल्टा एल सी, बराबर, राइट? तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा. नाउ टेक रेशियो ऑफ दिस यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील एंड यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर. नाउ टेक रेशियो ऑफ वाई एस एंड वाई सी, देन वी गेट वाई एस बाई वाई सी इज इक्वल, तो वाई एस की जो वैल्यू है यहाँ पे देखो सिग्मा ई, यानी कि ये जो वैल्यू है वो क्या है, एफ एस बाई ए एस मल्टीप्लाई एल एस बाई डेल्टा एल एस, ओके, डिवाइड वाई सी, तो वाई सी की वैल्यू देखो यहाँ पे, तो एफ सी डिवाइड बाई ए सी मल्टीप्लाई एल सी डिवाइड बाई डेल्टा एल सी. चलो यहाँ पे हमने लिख लिया है, ये अभी देखो, तो वाई एस डिवाइड बाई वाई सी, इसको हम अलग करते हैं, तो एफ एस बाई ए एस मल्टीप्लाई एल एस बाई डेल्टा एल एस, राइट? मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, तो डिवाइड टर्म है तो ए सी ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ए सी बाई एफ सी आएगा, यहाँ पे एफ सी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी सेम होगा, तो डेल्टा एल सी ऊपर चला गया और एल सी नीचे आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे देखो, अब ये जो इक्वेशन है जिसमें फोर्स की तो वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो लाएंगे कहाँ से,
तो एक्चुअली क्या होता है, हियर इज द स्टील वायर ऑफ लेंथ, यहाँ पे एग्जांपल देखो, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इतना है, स्ट्रेचेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ द कॉपर ऑफ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इतना है 4.10⁻⁵ मीटर स्क्वायर अंडर द गिवन लोड। ओके, मतलब दोनों वायर का जो फोर्स मिल रहा है, उसको जो स्ट्रेचेस बाय द लोड मिल रहा है, वो लोड कैसा है, सेम है, राइट सेम है। तो यहाँ पे फोर्स और ये फोर्स फॉर स्टील एंड फोर्स फॉर कॉपर्स, वो दोनों सेम रहेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। दूसरा कि दोनों वायर्स जो है उसमें, और तो जितना स्ट्रेच, जितना वेट लगेगा, जितना फोर्स लगेगा, उतना उसमें एलोंगेशन आएगा, तो डेल्टा एल एस और डेल्टा एल सी भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, राइट। क्योंकि जितना फोर्स मिलेगा वायर को यहाँ पे, जितना फोर्स मिलेगा दोनों वायर को यहाँ पे, उतना उसमें एलोंगेशन आएगा, क्योंकि फोर्स सेम ही लग रहा है, उतना एलोंगेशन आएगा। तो एलोंगेशन डेल्टा एल एस एंड डेल्टा एल सी बोथ आर कैंसिल, देन वी गेट वाई एस डिवाइड बाई वाई सी इज इक्वल, क्या मिला है, एल एस बाई ए एस मल्टीप्लाई ए सी बाई एल सी, राइट। नाउ वी हैव दिस फोर वैल्यूज, सो पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, देन एल एस मीन्स 4.7 डिवाइड बाई ए एस इज 3×10⁻¹, मल्टीप्लाई ए सी इज द 4.0×10⁻¹ डिवाइड बाई एल सी इज द 3.5। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको पता ही है क्या करना है, आपको आंसर फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे आपको आंसर फाइंड करके लिखना है, जो भी इसका आंसर आता है वाई एस बाई वाई सी। ओके, अब यूनिट क्या रहेगा यहाँ पे, वाई एस बाई वाई सी का यूनिट क्या रहेगा, बिकॉज रहेगा कि नहीं रहेगा, वो भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है, नहीं रहेगा, क्योंकि वाई एस एंड वाई सी बोथ आर इन रेशियो। ओके, तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, क्लियर। ओके ओके, तो ये रहा आपका जो ये एग्जांपल है, वो 2 मार्क्स में आईएमपी है, एकदम इजी है। इसी के साथ हम एक्सरसाइज का, इसी के बाद का 9.2 एग्जांपल देख रहे हैं। ओके, 9.2, तो 9.2 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अब कैसे करना है तो वो हम देखते हैं यहाँ पे, देखो। नाउ लेट स्टार्ट कैलकुलेट द एक्सरसाइज 9.2 एग्जांपल, हियर इज द एग्जांपल। सी Figure 9.11 shows the stress strain curve for a given material. What are Young modulus and approximate yield strength for this material? Okay, तो उसका graph जो है मैंने यहाँ पे draw किया है, लेकिन exactly graph आपको book में पता चलेगा, तो वो book भी हम साथ में लेके बैठते हैं। Okay, तो book में भी देखना कि यहाँ पे मैंने book रखी है। Okay, तो देख लेना यहाँ पे बुक रखी है कि जिसमें स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ दिया गया है आपको 9.2 में। ओके, और उसकी जो लाइन जो है, ग्राफ का जो रिजल्ट है, वो आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, कहाँ तक, तो स्ट्रेस 300 तक है और स्ट्रेन जो है वो 0.4 तक है। दैट मीन्स व्हाट, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की स्टडी कर ली है, तो आपको अभी आना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक की वो स्ट्रेस स्ट्रेट लाइन जा रहा है। दैट मीन्स व्हाट, ये ऐसा लास्ट पॉइंट है जहां तक उसकी इलास्टिक पॉसिबल, इलास्टिसिटी पॉसिबल है, राइट, इलास्टिसिटी पॉसिबल है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या, पहले यंग मॉड्यूलस फाइंड करना है, उसके बाद उसका यील्ड स्ट्रेंथ हमें चाहिए, बराबर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, फर्स्ट फाइंड द यंग मॉड्यूलस एंड अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ। तो अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ मीन्स, यील्ड स्ट्रेंथ मीन्स क्या, कि कहाँ तक, कौन से पॉइंट तक वो इलास्टिक हो सकता है, कौन से पॉइंट तक इलास्टिक हो सकता है। तो वो कितनी है, 300×10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जितना आंसर आएगा आपका, क्लियर। दूसरा, फर्स्ट जो है यंग मॉड्यूलस फाइंड करना। अब यहाँ पे देखो, यंग मॉड्यूलस आप कैसे फाइंड करोगे, तो यंग मॉड्यूलस जो है आपकी जितनी स्ट्रेंथ है उसी के हिसाब से उसका हाफ आपको लेना है यहाँ पे। दूसरा, कोई प्रॉपर आंसर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ यंग मॉड्यूलस आप टेक करोगे तो उसमें जो आपका स्ट्रेस होगा, वो स्ट्रेस जो है वो 150 आपको टेक करना है। क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रेन और स्ट्रेस, ये सेंटर पॉइंट है यहाँ पे,
ये देखो सेंटर पॉइंट, बाकी कोई भी पॉइंट आपको सेंटर में नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, निकल आया है सब। और दूसरा 300 है। ओके, तो मैक्सिमम 300 है, उसका आप 150 के हिसाब से भी आप लॉजिक लगा सकते हो। और दूसरा जो है वो कि स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो रहे हैं यहाँ पे, राइट, एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल हमें ये मिल रहे हैं। तो हम टेक करेंगे स्ट्रेस इज इक्वल 150 एंड स्ट्रेन इज इक्वल 0.002। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज यंग मॉड्यूलस। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फर्स्ट इज यंग मॉड्यूलस वाई इज इक्वल सिग्मा बाई ई इज इक्वल, तो सिग्मा यानी कि स्ट्रेस जो है आपको कितना टेक करना है, 150 बाई उसी की लाइन में जो आपको स्ट्रेन मिल रही है वो कितनी है, तो 0.002। अब इसका जो भी आंसर आएगा तो वो आपका आंसर होगा, क्लियर। दूसरा, तो दूसरा क्या है आपको दिया गया है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल। तो अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ यानी कहाँ तक वो इलास्टिक बिहेवियर करता है, तो कहाँ तक, तो वो रेंज क्या है, 300 × 10⁶। ओके, तो यहाँ पे आपका आएगा अप्रोक्सीमेट 300 × 10⁶ न्यूटन इंटू मीटर माइनस स्क्वायर इज इक्वल, तो 3 × 10⁸। टू डिजिट आप ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेट यानी ये हाई वैल्यू बनानी है, इंटू न्यूटन इंटू मीटर माइनस स्क्वायर, क्लियर। तो ये आपका आंसर हुआ, राइट। ऐसे जो एग्जांपल्स, तो ऐसे जो एग्जांपल्स है वो आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन में आ सकते हैं, जेडब्ल्यू नीट के लिए एंट्री हो सकता है। चलो इसके बाद का हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, तो वो है एक्सरसाइज का 9.3। अब एक्सरसाइज का 9.3 जो है वो आपको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड IMP फॉर JEE नीट। ओके, तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना कि कैसे हमें ये सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एक्सरसाइज 9.3। द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर मटेरियल्स ए एंड बी आर शॉन इन द फिगर। दिस इज ग्राफ, दिस ग्राफ फॉर मटेरियल ए एंड दिस ग्राफ फॉर मटेरियल बी। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ है फॉर मटेरियल ए एंड बी। यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, तो देखो द ग्राफ्स आर शोन ड्रोन टू द सेम स्केल, विच ऑफ द मटेरियल हैज ग्रेटर यंग्स मॉड्यूलस। तो अब याद करो यंग मॉड्यूलस की थियोरी हमने जब सीखी तब हमने डिस्कस किया कि स्टील इज अ वेरी रिक्वायर्ड फॉर हैवी ड्यूटी मशीन्स। वाई? बिकॉज स्टील इज अ वेरी हार्ड ऑब्जेक्ट कंपेयर टू मेटल्स। स्टील इज अ वेरी हार्ड मेटल्स कंपेयर टू एल्यूमिनियम ब्रास एंड कॉपर। तो जो भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट है उसमें चेंजेस लाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, उसका यंग मॉड्यूलस भी ज्यादा होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है तभी आप ये सॉल्व कर पाओगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ है, तो यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे दिख रही है यहाँ तक दिख रही है, तो यहाँ तक आप ये बोल सकते हो कि यहाँ तक वो स्ट्रेचेबल यानी कि इलास्टिक बिहेवियर कर सकता है। उसके बाद देखो तो थोड़ा सा स्ट्रेस मिल रहा है और उसके साथ स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। ओके, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, तो स्ट्रेन यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए उसको स्ट्रेस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके कंपेयर में यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक वो इलास्टिक बिहेवियर करता है, और डायरेक्टली यहाँ पे इतना ही डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस है। तो स्मॉल डिस्टेंस है यहाँ पे यानी स्मॉल स्ट्रेन हुई, तो स्मॉल स्ट्रेन कब होती है, तो स्ट्रेस भी आपका कैसा होगा, स्मॉल होगा। और उसके कंपेयर में देखो यहाँ पे स्ट्रेन कैसी है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन है यहाँ पे, तो उसके लिए स्ट्रेस भी कैसा लगेगा, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस लगेगा। तो आप अब बोल सकते हो विच ऑफ द मटेरियल हैज ग्रेटर यंग मॉड्यूलस, तो मटेरियल ए हैज द ग्रेटर यंग मॉड्यूलस। आंसर इज मटेरियल ए, राइट, आंसर इज मटेरियल ए। हाउ? तो यहाँ पे देखो इसकी जो स्ट्रेन है सबसे ज्यादा है, राइट, और यहाँ पे उसकी स्ट्रेन बहुत कम है। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन है विच ऑफ द टू स्ट्रॉन्गर मटीरियल, विच ऑफ द टू इज द स्ट्रॉन्गर मटीरियल। तो जिसकी स्ट्रेन
मतलब चेंजेस लाने के लिए, जिसका ऑब्जेक्ट का जो भी शेप है उसमें चेंजेस लाने के लिए, यानी कि स्ट्रेन लाने के लिए सबसे ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, तो उसका यंग मॉड्यूलस भी हाई होता है। तो यहाँ पे विच ऑफ द टू इज द स्ट्रॉन्गर मटीरियल, तो स्ट्रॉन्गर मटीरियल किसका हुआ, तो ऑब्जेक्ट ए का हुआ कंपेयर विद ऑब्जेक्ट बी, राइट। तो यहाँ पे उसको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उसका यंग मॉड्यूलस हाई है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ सेकंड क्वेश्चन के लिए अगर आप फिगर ना देखो तो भी आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे से आंसर मिल जाएगा कि अगर मटेरियल ए हैज़ दी हाई ग्रेटर यंग मॉड्यूलस देन दी मटेरियल ए हैज़ दी स्ट्रॉन्गर मटेरियल, इज दी स्ट्रॉन्गर मटेरियल। सो यहाँ पे भी क्या आएगा, मटेरियल ए, क्लियर। तो ये आपका आंसर हुआ। और ऐसे जो क्वेश्चन है वो JEE नीट के लिए IIMP है। बस अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट में आप स्मॉल चेंजेस चाहते हो और उसमें सब उसके लिए सबसे ज़्यादा फोर्स आपको देना पड़े, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के यंग मॉड्यूलस लार्ज होते हैं। ओके, तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, क्लियर। ओके, तो ये रहा आपका जो क्वेश्चन है वो, जिसमें फर्स्ट जो है एग्जाम्पल 9.1 एक्सरसाइज का, वो 2 मार्क्स में IIMP है। फिर 9.2 और 9.3 IIMP फॉर JEE नीट। एंड इसके बाद जो एग्जाम्पल है तो 9.3, सॉरी 9.4, तो हमने 9.1, 9.2, 9.3 एंड 9.3 तक देख लिया है, राइट। अभी 9.4 देखो एक्सरसाइज का, तो रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, ट्रू और फॉल्स में ही आपको आंसर देना है, और ये IIMP भी हो सकता है फॉर JEE नीट। ओके, द फर्स्ट इज द यंग मॉड्यूलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दी स्टील्स। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, रबर और स्टील, यहाँ पे दोनों मटेरियल जो है ऐसे हैं जिसके लिए सबसे ज़्यादा हमें फोर्स देने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये लेकिन वही दोनों मटेरियल दिए हैं रबर और स्टील। तो रबर का इमेजिन करो, आपको रबर में डिफेक्ट्स यानी कि स्ट्रेन लाने के लिए कितना फोर्स देना पड़ेगा, कितना स्ट्रेस देना पड़ेगा। और स्टील, स्टील को भी आप, स्टील का भी आपको उसका शेप यानी कि उसमें स्ट्रेन लाने के लिए सबसे ज़्यादा फोर्स देना पड़ता है, राइट। तो दोनों में से किसका यंग मॉड्यूलस ग्रेटर होगा, किसका होगा, रबर का। वाई, तो रबर एक रबर हैज़ दी लार्ज इलास्टिसिटी, रबर हैज़ दी हायर इलास्टिसिटी कंपेयर विद दी स्टील्स, राइट। सो दिस इज द रीज़न द यंग मॉड्यूलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन ऑफ स्टील, राइट। चलो दूसरा जो है वो दूसरा हमारा टॉपिक चला नहीं है, तो वो हम साथ में ही करेंगे। तब तक आप ये फर्स्ट सॉल्व कर लो, इसका आंसर आपको लिखना है, क्लियर। तो यहाँ तक हम अभी रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।